जीएचआर उच्च विद्यालय के प्राचार्य विनोद भाव, जिला प्राथमिक पर्यवेक्षक अमित भाव, उपस्थित हमारे शिक्षक और स्काउट गाइड के प्यारे बच्चों, ये बड़ी खुशी की बात है और साथ साथ हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम भी वैशाली जिले के स्काउट एंड गाइड के पार्ट हैं। आप लोग सभी अवगत हैं कि 1908 में स्काउट गाइड एक का आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और आज की तिथि में पूरे संसार के जितने भी संगठित देश हैं सभी जगह इसका फैलाव हो चुका है। स्काउट गाइड एक शैक्षिक आंदोलन है, स्वयंसेवी आंदोलन है जो हमसे और आपसे एक उच्च स्तर के अनुशासन की, नैतिक मूल्य की, मर्यादा की, राष्ट्र प्रेम की, सह अस्तित्व की, सहभागिता की और बंधुत्व की, अनुशासन की अपेक्षा रखता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस स्काउट एंड गाइड के इस आंदोलन को वैशाली जिले ने बखूबी निभाया है और काफी आगे आप लोगों ने इसको अभी आप लोगों ने जिस एडवेंचर कैंप में भाग लिया है, इस प्रतिकूल मौसम में, सख्ती गर्मी में आप लोगों ने सफलतापूर्वक अपने अपने एक्टिविटी को पूर्ण किया है, इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। यह जो शैक्षिक गतिविधि है इसका महत्व उतना ही है जितना कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई है। जब आप स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करेंगे और आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वहाँ आप एसएससी में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो आपको इन गतिविधि का महत्व पता चलेगा। आपको ये किसी भी साक्षात्कार में भी आपको इसके सर्टिफिकेट का काफ़ी व्यंजन मिलता है और इसकी एक अपनी पहचान है, इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। जब आप आगे बढ़ेंगे राज्यपाल के स्तर से या राष्ट्रपति के स्तर से जो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वो सीधे सीधे नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा सहायक नहीं है, लेकिन जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो आपको इसका वैसे प्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी से स्कूली स्तर से बच्चों में नैतिक मूल्यों का, उच्च चारित्रिक गुणों का समावेश नहीं किया जाए तो जब आप कल को पब्लिक फील्ड में आएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़े राजनीतिक बनेंगे, उस समय जो समाज आपसे अपेक्षा करेगा, तो अभी का जो आपका ये प्रशिक्षण है ये काफ़ी सहायक साबित होगा। एक अच्छे इंसान के रूप में, आपके प्रगति के रूप में, आपके व्यक्तित्व के सर्वाधिक विकास के रूप में ये काफ़ी सहायक होगा। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी तरह अनुशासन के साथ, तन्मयता के साथ पूरी गतिविधि में लगते रहें और पढ़ाई के साथ साथ समान रूप में इन एक्टिविटीज में भी शामिल हों और अपना, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारी यही शुभकामना आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।